रास्ते में मास्टर चीफ डायरेक्ट को रोकने का प्लान डिस्कस करता है ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके, जिसमें रियो कहता है कि वो लोग सिर्फ प्लैनेट को छोड़ने के बारे में सोचेंगे क्योंकि उसे मास्टर चीफ के बातों पर विश्वास नहीं है कि वो किसी लाइब्रेरियन से मिला है, क्योंकि ये मास्टर चीफ का वहम भी हो सकता है। इसके बाद कोर्टाना रैम्पेंसी की वजह से फिर से अजीब बिहेव करती है। I will not allow you to leave this planet! Cortana. I didn't mean to do that. ये देखने के बाद रियो कोर्टाना के चिप को सिस्टम से हटा के उसे कस्टडी में लेने को कहता है, लेकिन मास्टर चीफ रियो को वो चिप देने से इनकार करता है, जिसके बाद वो रियो की बात टालते हुए डायरेक्ट को हराने कोर्टाना के साथ चले जाता है। Before this is all over, promise me you'll figure out which one of us is the machine. कमांडर लेस्की मास्टर चीफ और कोर्टाना की मदद करता है और उन्हें एक पेलिकन देता है जिससे वो डायरेक्ट के लोकेशन तक पहुंच सके। डायरेक्ट के लोकेशन पर पहुंचने पर वो देखते हैं कि क्रिप्टन को कुछ टावर्स ने घेर के रखा है जो उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। मास्टर चीफ ने उन टावर्स को डीएक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद मास्टर चीफ लीचेस की मदद से क्रिप्टन में चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक डायरेक्ट क्रिप्टन को एक स्पेसशिप में इंस्टॉल कर स्पेसशिप के साथ रिक्वेम को छोड़ के स्पेस की मदद से इंस्टॉलेशन 03 के पास पहुंच जाता है, और साथ ही मास्टर चीफ भी इंस्टॉलेशन 03 के पास पहुंच जाता है। डायरेक्ट वहाँ इसलिए आता है क्योंकि वो इंस्टॉलेशन 03 में बने इंसानों के बेस को तबाह कर कंपोजर को हासिल करना चाहता था। फिर मास्टर चीफ उस लीच को हाईजैक कर इंस्टॉलेशन 03 के आइवनोव रिसर्च स्टेशन की हेड डॉक्टर चांद्रा टिल्सन से कांटेक्ट करता है और बताता है कि डायरेक्ट कंपोजर की तलाश में वहां आया है जो उन्होंने ढूंढ निकाला है। फिर अचानक कोर्टाना को रैम्पेंसी की प्रॉब्लम होती है और वो शिप को क्रैश कर देती है, लेकिन मास्टर चीफ उस क्रैश में बच जाता है। फिर मास्टर चीफ टिल्सन से उसका लोकेशन मांगकर वहां पहुंचता है, जहां वो टिल्सन को समझाता है कि वो कंपोजर फॉरेनर का वेपन है और उन्हें उसे वहां से ले जाने से रोकना होगा। टिल्सन बताती है कि कंपोजर को वहां से हिला पाना भी नामुमकिन है, जिस पर मास्टर चीफ टिल्सन से रिक्वेस्ट करता है कि वो कोर्टाना को स्टेशन सप्लाई मैनिफेस्ट का एक्सेस दे और सारे लोगों को यहाँ से निकलने में मदद करे। मास्टर चीफ और कोर्टाना मिल के डायरेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी डायरेक्ट कंपोजर ले जाने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद मास्टर चीफ टिल्सन के पास पहुंचता है, जहां वो सबको वहां से भागने को बोलता है और कोर्टाना को डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करने को बोलता है। कोर्टाना के पूरी कोशिश करने के बाद भी डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता, और इस वजह से डायरेक्ट कंपोजर की मदद से वहाँ हमला करता है, जिससे सारे लोग मारे जाते हैं और उन लोगों के मरने से प्रोमिथेनाइट्स को पावर मिलती है, लेकिन मास्टर चीफ जिनसों की वजह से जिंदा बच जाता है। इसके बाद कोर्टाना डीमोटिवेट हो जाती है क्योंकि वो उन लोगों की जान नहीं बचा पाई, और उसे डर था कि रैम्पेंसी की वजह से मास्टर चीफ को हालसी कोर्टाना की जगह कोई और एआई ना दे दे। मास्टर चीफ कोर्टाना का हौसला बढ़ाता है और उसे उसके साथ काम करने के लिए मोटिवेट करता है। इसके बाद मास्टर चीफ एक शिप में हैवॉक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन लेके डायरेक्ट की शिप की तरफ बढ़ता है और स्लिप स्पेस में डायरेक्ट के शिप के साथ जंप करता है, क्योंकि जिस शिप में मास्टर चीफ था वो शिप स्लिप स्पेस में जंप करने के लिए नहीं बना था, इसलिए मास्टर चीफ ने डायरेक्ट के शिप के प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर अपने शिप को कवर कर दिया ताकि वो स्लिप स्पेस को पार कर सके। मास्टर चीफ शिप में लेस्की से कॉन्टैक्ट करता है और उन्हें पता चलता है कि डायरेक्ट अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। फिर मास्टर चीफ और कोर्टाना शिप में कंपोजर को ढूंढ लेते हैं, जो शिप के डिफेंस गन से प्रोटेक्टेड था। फिर मास्टर चीफ सारे डिफेंस गन को तबाह कर देता है, जिसके बाद इन्फिनिटी मास्टर चीफ के लिए रास्ता बना देता है ताकि वो कंपोजर तक पहुँच पाए। ब्रीच में एंटर करते वक्त मास्टर चीफ का शिप क्रैश हो जाता है, जिसके बाद मास्टर चीफ हैवॉक वेपन के पोर्टेबल पार्ट को लेके डायरेक्ट के लोकेशन के पास पड़ता है। कोर्टाना मास्टर चीफ को
सिस्टम में इंस्टॉल करने को कहती है ताकि वो कंपोजर का पता लगा सके। मास्टर चीफ के ऐसा करने से डायडेट को पता चल जाता है कि कोटाना सिस्टम में है, जिसके बाद कोटाना मास्टर चीफ को जल्दी से कंपोजर तक पहुंचने को कहती है। कंपोजर के पास पहुंचते ही वो दोनों देखते हैं कि डायडेट भी कंपोजर के पास एक शील्ड में बंद है। फिर कोटाना मास्टर चीफ को सिस्टम में इंस्टॉल करने को बोलती है, जिसके बाद कोटाना अपने रैम्पेंसी के मल्टीपल कॉपीज बना के उसे पूरे सिस्टम के हर स्पाइक में इंस्टॉल कर देती है, ताकि कंपोजर के शील्ड को पूरी तरह डिसेबल किया जा सके। जब मास्टर चीफ कोटाना को आखिरी स्पाइक में इंस्टॉल करता है, तब कोटाना उस शील्ड को पूरी तरह डिसेबल कर देती है, जिसके बाद डायरेक्ट कंपोजर से अर्थ पर हमला कर देता है और जिस स्पाइक में कोटाना होती है वो स्पाइक तबाह हो जाता है। इसके बाद कोटाना मास्टर चीफ के लिए कंपोजर तक पहुंचने का रास्ता बनाती है। वहां पहुंचने पर डायरेक्ट मास्टर चीफ पर हमला करता है, जिससे वो डिटोनेटर मास्टर चीफ से अलग हो जाता है और डायरेक्ट मास्टर चीफ को मारने वाला होता है, जिसके बाद सिस्टम में इंस्टॉल कोटाना डायरेक्ट को पकड़ लेती है और मास्टर चीफ डायरेक्ट के अंदर पल्स ग्रेनेड डाल देता है, जिससे डायरेक्ट को पूरी तरह चोट लगती है और वो कंपोजर के नीचे स्पेस में गिर जाता है। और इसके बाद मास्टर चीफ बॉम्ब के पार्ट की मदद से उस बॉम्ब को रिमोटली डिटोनेट कर देता है। धमाका होने से पहले ही कोटाना अपने बचे हुए पावर से मास्टर चीफ को टेलीपोर्ट करके हार्ड लाइट से बनी एक जगह में ले जाती है, जहां वो मास्टर चीफ को अलविदा कहने के लिए मिलती है। हार्ड लाइट एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लाइट को हार्ड करके यूज़ कर सकते हैं। कोटाना कहती है कि वो उस धमाके के वक्त सिस्टम में थी और इस वजह से वो आधी तबाह हो चुकी है, और अपने बचे हुए पावर्स के साथ वो सिर्फ मास्टर चीफ को टेलीपोर्ट करने का काम कर पाई और अब वो उससे दोबारा नहीं मिल पाएगी। फिर इसके बाद कोटाना हार्डलाइट की मदद से मास्टर चीफ को छू पाती है और वो ऐसा करके बहुत खुश होती है। It was my job to take care of you. We were supposed to take care of each other. And we did. Cortana, please. Wait. Welcome home, John. Cortana ke gayab hone ke baad वो हार्डलाइट बबल तबाह हो जाता है और मास्टर चीफ स्पेस में तैरता हुआ नज़र आता है और इन्फिनिटी में मौजूद लोग उसे बचा लेते हैं। फिर लैस्की मास्टर चीफ से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मास्टर चीफ उससे कुछ खास बातचीत नहीं करता, जिसके बाद लैस्की वहां से चला जाता है। Our duty as soldiers is to protect humanity, whatever the cost. They say that, like, soldiers and humanity are two different things. I mean, soldiers aren't machines. They're just people. She said that to me once. About being a machine. इसके बाद यूएनएससी की एक टीम अर्थ में एक शहर न्यू फिनिक्स में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जहां कंपोजर के एनर्जी बीम गिरी थी। वहां वो देखते हैं कि नॉन लिविंग चीज़ें जैसे बिल्डिंग या कार को कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन वहां सारे इंसान राख में बदल गए हैं, जैसे हेलो इंस्टॉलेशन 03 में डॉक्टर टिल्सन के टीम के साथ हुआ था। इसके बाद हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहां मास्टर चीफ दूसरे स्पार्टन्स को ज्वाइन करता है और साथ ही हम डायडेट के स्पीच को बैकग्राउंड में सुनते हैं, जिसमें वो कहता है कि फोरनर्स ही मेंटल के असली हकदार हैं और इंसानों को मेंटल कभी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो उसके काबिल नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर चीफ के सूट मिनोलिक मार्क 6 को पहली बार उतारा जाता है, लेकिन उसमें मास्टर चीफ का चेहरा नहीं दिखाया जाता। तो
तो दोस्तों ये थी कहानी हेलो 4 की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप उसे नीचे कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी गेमिंग से जुड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए माई एडल वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और हमें हमारे सारे सोशल अकाउंट में फॉलो करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय भारत, सत्यमेव जयते।